गाइस नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। हाउ टू अचीव योर गोल। दोस्तों, आप जीवन में तरक्की कैसे करोगे, मैं आप लोगों को अपना स्वयं का रियल अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं भी एक सामान्य छोटे मोटे किसान के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी पढ़ाई पढ़ ली है। बेरोजगारी का रोना रोता रहता था, भाई बेरोजगार हूँ बेरोजगार हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं सोचा क्यों ना कोई अपने एक स्वरोजगार शुरू किया जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। नौकरियां मिलनी इतना आसान नहीं है। 10 वैकेंसी सरकार की आती है तो कम से कम 10,000 आवेदन पड़ते हैं, तो किसी 10 का ही तो होगा, बाकी 9,090 लोग कहाँ जाएंगे, बेकारी रहेंगे। अतः सरकारी नौकरी की आस में जीवन बिता देना होशियारी कतई नहीं है। दोस्तों, मैंने आयुर्वेद का कोर्स किया, आज मैं अच्छे खासे मुकाम पे हूँ। 2-2 अस्पतालों में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, अच्छी खासी सैलरी पाता हूँ। आज मेरे पास सुख साधन की सारी सुविधाएं करीब करीब उपलब्ध हैं, ऊपर वाले कृपा से। आज मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। तो मैं यहीं कुछ लोगों को चाहता हूँ ज्ञान दूँ, आप लोग को मैं अपना रियल अनुभव बताऊँगा कि कुछ लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, वहीं कुछ लोग तरक्की कर जाते हैं। दोस्तों, आजकल कंपटीशन है, रेस है, जैसे देखते हो ना मिलिट्री में रेस कैसे दौड़ाते हैं मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, देखते हो ना कितने लखड़ा गिर जाते हैं, रास्ते में रह जाते हैं, कितने थक जाते हैं, कितने पार नहीं पाते, गिने चुने लोग ही उस टाइम में उस मंजिल क्रॉस कर पाते हैं और चुने जाते हैं। दोस्तों, यही आज का जीवन है। तो आप लोगों को मैं कुछ रियल अनुभव बताऊँगा, आप यदि मेरे बातों को थोड़ा भी लाभ उठा लोगे तो मैं अपना वीडियो को बनाना सफल समझूंगा, या कुछ लोगों को लाभ मिल जाए तो सफल समझूंगा। आप जीवन में तरक्की कैसे करें, मैं आप लोगों को कुछ रियल में बताऊंगा। दोस्तों, पहला नंबर, किसी काम करने के लिए टाल मटोल ना करें। अच्छे काम के लिए कोई शुभ घड़ी नहीं होती, आप जब भी शुरू करो शुरू कर दो, देर मत करो। कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो उसको शुरू ही कर दो, बिल्कुल टाल मटोल आजकल मत करो, किसी चक्कर मत पड़ो, दोस्ती यारी से दूर रहो। दोस्ती यारी बहुत अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी है, तो दोस्त ना आपको आगे बढ़ने देंगे, ना खुद बढ़ेंगे, ना आपको बढ़ने देंगे। आपको खुद नेगेटिव से पीड़ित है, आपको नेगेटिविटी से भर देंगे। अतः इन सबसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल समाज में दूर रहो जो नेगेटिविटी से पीड़ित हैं। कोई क्या कहेगा ये मत सोचो, आपको जो लक्ष्य पाना है लक्ष्य पे एम करो। तो पहले नंबर आप ध्यान दें, मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी अपने लाइफ में कोई आप एक अपना गोल लक्ष्य निर्धारित करें, ये कहीं करें। अगर आप दो करोगे तो सुने हो ना, दो नाव के सवारी करवा लेके हाल से वो डूब के मर जाता है। तो कोई एक बढ़िया गोल निर्धारित करें, लक्ष्य निर्धारित करें, और उसको लक्ष्य निर्धारित करने के पहले, उस काम को शुरू करने से पहले भरपूर तैयारी करें, उसकी रिहर्सल करें, भरपूर तैयारी करें, फिर उसके उसको पाने के लिए जी जान से लग जाएं, जी तोड़ मेहनत करें, आराम को भूल जाएं, सुख चैन को भूल जाएं, उसके पीछे बिल्कुल आप जी जान से लग जाएं, समझ गए ना, और उस काम में निरंतरता बनाए रखें। कभी भी आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो निश्चित है कि एक दिन आपको मंजिल प्राप्त होगी ही होगी, ठीक है। नहीं तो यदि एक से दो काम आप करेंगे या उसको बीच बीच में गैप करेंगे तो फिर आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। दिखावे से कभी दूर रहें। कोई आपका पैसे वाला दोस्त, अमीर दोस्त है, यदि वो अच्छे खासे मेंटेन करता है, आप उसे दिखावे में आ करके कर्ज लेकर के, किसी उधार लेकर के उसकी बराबरी करते होते, करते ही ना करें, गलत बात है। आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, भले कपड़े पुराने हो या सस्ते दाम के हों, लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहने, प्रेस किए हुए कपड़े होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप समय की पाबंद यानी लाइफ में अनुशासन जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो अनुशासन पहले खुद में पैदा करो, समय की पाबंद बनो। बिना समय की पाबंदी
कि आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते, ठीक है ना। कहने के लिए बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कह देते हैं दोस्तों, ऐसी बातें नहीं है। इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग मिल जाएंगे, आप हिस्ट्री देखो, पेपर पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, किताबें पढ़ो, वो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों गिनती नहीं है, जिन्होंने मामूली परिवार से पैदा होकर के अंतिम बुलंदियों को छुया, समाज में टॉप स्थान ग्रहण किया, पैसे से, नाम से, शोहरत से। क्यों? उन लोग कभी भी किसी चीज़ के पीछे पड़ते थे तो पड़ जाते थे, कोई क्या कहेगा नहीं सोचते थे। विज्ञान भी यही कहता है, निरंतरता बनाए रखोगे तो गारंटी है कि एक दिन वो चीज़ का आप आविष्कार कर दोगे। तो वही चीज़ लक्ष्य भी मंजिल होती है, आप निरंतरता बनाए रखोगे तो गारंटी है आपको मंजिल मिलना तय है। कंसिस्टेंसी समझते हो ना, निरंतरता आप बिल्कुल बनाए रखें। कभी भी व्यवहार कुशल बने, लोगों से प्रेम भरी बातें करें, प्रेम से करें, मुस्कुराए करें, कभी अपनी निराशा को, हताशा को अपने चेहरे पर हावी ना होने दे, क्योंकि उससे दोस्तों कुछ होता नहीं है। कभी लाइफ में हताश ना हो, निराश ना हो, चेहरे पे हमेशा आप स्माइल बना कर रखें, सबसे मुस्कुरा के मिले, हाय हेलो करें, व्यवहार कुशल बने, आपकी बातों में आकर्षण पैदा करें, लोग आपके तरफ आकर्षित हों, ठीक है। तो ये सब सारी बातें जो मैं आपको बताया हूँ, यदि आप इस पर ध्यान दोगे तो मैं गारंटी कह रहा हूँ दोस्तों, आप एक लाइफ में सफल आदमी बनोगे। अच्छी संगत करें, अच्छे लोगों से संगत करें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें। आपको दो ही आदमी सलाह दे सकता है सही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या तो जो असफल हो गया हो उसी सलाह लेना, या जो सफल हो गया है, यानी जो असफल हो गया वही आपको अनुभव बताएगा मैं असफल क्यों हुआ, या जो सफल हो गया वो आपको बताएगा कि मैं सफल कैसे हो गया। बीच में लोगों से कभी भूल के सलाह मत लेना, और अपनी बात को 10 जगह कभी शेयर मत करना, दोस्तों में शेयर मत करो, क्योंकि नॉर्मली आज के ज़माने में कोई नहीं चाहता कोई आदमी आगे बढ़े, वो टांग खींचना चाहता है। अतः कभी अपने गोल की मंजिल को, लक्ष्य को, आपकी जो हॉबी है या जो आप पाना चाहते हो, कभी 10 लोगों को शेयर मत करो। मन में रखो, मन की बात मन में रखो, जब शेयर कर दोगे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। अतः मन की बात मन में रखो, चुपचाप उसके पीछे लगे रहो, और एकाएक आप लाइट में जाओगे, दुनिया कही वाह वाह क्या कर रहे हैं इसने। तो आप इस चीज़ का पालन करोगे, मैं जो चीज़ बताया हूँ, गारंटी है आप लाइफ में रियल में आगे बढ़ोगे, लक्ष्य पाओगे और सफल बनोगे। यदि आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।